हेलो बच्चों कैसे हो मैं अभिषेक रंजन फिर से आपके साथ तो लास्ट क्लास में हमने आ, फोर्स स्टार्ट किया था और फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था फोर्स क्या होता है पुश और पुल उसके बारे में पढ़ा था कि फ़ोर्स की यूनिट क्या होती है ऐसा यूनिट हमने न्यूटन जाना था हमने डाइन के बारे में जाना था ठीक है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स आज हम थोड़ा सा जानेंगे उसके बाद हम करेंगे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ठीक है तो पहले तो हम थोड़ा सा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में जान देखो। टाइप्स में तो कांटेक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट आप पढ़ रहे हैं लेकिन एक मैग्नीट्यूड के जब हमने बोला था कि हम सिर्फ वैल्यू की बात करें तो उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं और वैल्यू के साथ डायरेक्शन की बात करें तो हम उस तरह की क्वान्टिटी को हम वैक्टर क्वान्टिटी बोलते हैं फोर्स एक वैक्टर क्वान्टिटी है तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी टाइम पे एक ऑब्जेक्ट पे जरूरी नहीं है कि एक ही फोर्स लग रहा हो है ना जरूरी एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस भी आपके क्या होते हैं काम करते हैं तो अब एक से ज्यादा फोर्सेस काम करते हैं तो क्या सिचुएशन हो सकती है तो यहाँ पे दो टाइप की सिचुएशन होती है आपकी जब एक से ज्यादा फोर्सेस एक टाइम पे काम करते हैं हम उसको एक बैलेंस फोर्स बोलते हैं और अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं और रियल लाइफ में आप ये जरूर देखते हैं एक एक करके समझते हैं उसके बारे में एक एग्जांपल लेते हैं आपका ग्राउंड है और उस पर आपका एक बॉक्स रखा हुआ है ना आपका एक बॉक्स रखा हुआ है उसका कुछ भी मास हो सकता है Let's suppose, यहां पे एक पर्सन है ए है ना यहाँ पे एक पर्सन है ए और वो इसको 40 से क्या करता है? इस box को धक्का देता है सोचता है मैं इसको बॉक्स को घर लेके चलता हूं ठीक है तभी दूसरा पर्सन यहां से आता है वो बोलता है भाई बिना परमिशन के तो आप लेके नहीं जा सकते है ना तो वो इसको रोकने की कोशिश करता है इसका नाम लेट सपोज बी रख लेते हैं और ये कितना लगाता है फोर्स ये भी आपका फोर्टी न्यूटन लगाता है इस बॉक्स बॉक्स का मास सपोज है और ये आपका क्या, है? है, है तो क्या कोई भी इस बॉक्स को अपनी तरफ लेके जा पाएगा ये इसको इधर ले जाना चाहता है ये इसको इधर ले जाना चाहता है क्या बॉक्स कहीं जा पाएगा तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना फोर्स लगा रहा है इसको धक्का कितने फोर्स से दे रहा है फोर्टी न्यूटन और ये इसको डायरेक्शन में कितने फोर्स से धक्का दे रहा है ये ये रोकना चाह रहा है वो भी फोर्टीन न्यूटन तो भाई जितना आप मैं इधर से किसी चीज को धक्का दे रहा हूँ उतना ही फोर्स है कोई मुझे उस तरफ से सेम चीज को धक्का दे रहा है तो इस चीज जो भी है बॉक्स है चेयर है वो तो जा ही नहीं पाएगी क्योंकि जितना फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूँ उतना फोर्स ये इधर से लगा रहा है दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे है ना अब क्या यहां पे एक फोर्स काम कर रहा है इस बॉक्स पे नहीं एक से ज्यादा फोर्स काम कर रहा है एक फोर्स ए लगा रहा है एक फोर्स बी लगा रहा है तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हम देखें और फोर्स कैसी क्वांटिटी है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो चलो हम फाइंड करते हैं कि इस बॉक्स पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है ना तो टोटल फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं ना क्या बोलते हैं इसको टोटल फोर्स को हम क्या बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं इसको हम रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं और रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालें या नेट फोर्स भी बोल सकते हैं ना कहीं जगह टोटल फोर्स बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं और नेट फोर्स भी बोलते हैं सब तो इन सबका सब... मतलब एक ही होता है कि आप सबका सम करना है कि एक बॉक्स पे कितना टोटल फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट कितना लग रहा है नेट कितना लग रहा है तो अगर हम यहाँ पे एफ नेट यानी टोटल फोर्स निकालें तो क्या होगा ए भी लगा रहा है और बी भी दोनों का सम होगा फोर्स बाय बी अब जरा देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर मैं एक, एक के फोर्स को पॉजिटिव लेता हूं है ना कि इधर जो धक्का लगा रहा है चलो इसके फोर्स को पॉजिटिव ले लेते हैं तो बी उसके ऑपोजिट में लगा रहा है तो ऑपोजिट दिखाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा तब, तभी हो सकता है है ना तो यहां पर एफ ए कितना फोर्टी और जो बी लगा रहा है वो भी कितना है आपका फोर्टी है लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट है ए से तो वो दिखाने के लिए मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे माइनस फोर्टी ठीक है अब टोटल कितना हो गया आपका जीरो है ना फोर्टी माइनस फोर्टी कितना हो गया आपका जीरो न्यूटन तो ऐसी सिचुएशन जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस काम करते हैं बट उसका जो नेट फोर्स होता है वो कितना आता है आपका जीरो आता है उस तो तब सभी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं है ना इसमें सबको क्या बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस व्हेन मोर देन वन फोर्सेस वर्किंग सैमटेली ऑन एन ऑब्जेक्ट बट द नेट फोर्स इज जीरो देन दीज फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस ठीक है अब बैलेंस फोर्सेस के केस में आप देखो इसने भी इसको रेस्ट बॉडी इनिशियली किस में थी ये बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी तो क्या फोर्स लगाने के बाद भी मोशन पे आ पाई नहीं आ पाएगी क्योंकि जितना इधर इधर से से फोर्स फोर्स लगा लगा उतना लगा, ये वहीं रहेगी इससे क्या पता चला इससे पता चला कि बैलेंस फोर्सेस के कारण आपकी बॉडी की स्टेट में चेंज नहीं हुआ तो ये रेस्ट से मोशन में नहीं गई सेम वे अगर कोई बॉडी मोशन में है और उस पर बैलेंस फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं जिसका टोटल सम जीरो है तो उसका भी स्टेट चेंज नहीं हो सकता वो मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकती तो एक बात समझ आती है कि बैलेंस फोर्स आपकी बॉडी के स्टेट में चेंज नहीं कर सकते हैं ठीक है तो लिख लेते हैं बैलेंस फोर्सेस कांट चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है तो इसका। इसका एग्जांपल अगर आप बोले एक तो ये एग्जांपल मैंने दिया टग ऑफ वॉर की बात कर लेते हैं आप देखते हैं कि दो टीम है एक दूसरे टग ऑफ वॉर रस्सी खींचते हैं एक ऐसा सिचुएशन आता है जब दोनों ही टीम मूव नहीं कर रही जितना इधर इधर वाली टीम लगा रही है उतना उधर वाली टीम लगा रही है ऐसे केस, उस केस में क्या होता है आपका बैलेंस फोर्स होता है नेट फोर्स कितना होता है जीरो इसलिए दोनों टीम आगे पीछे कहीं पर मूव नहीं कर पा रही ठीक है चलो आप आगे चलते हैं इसका जस्ट अपोजिट कौन सा फोर्स होता है आपका अनबैलेंस फोर्स बस चलो अब आगे चलते हैं अब है आपका एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं इसका अनबैलेंस फोर्सेस है ना क्या आपका अनबैलेंस फोर्सेस देखो सेम सिचुएशन लेते हैं आपका ग्राउंड और यहां पे एक बॉक्स लेते हैं जिसका मास आपका कितना है m है फिर से वह ऊपर पर्सन जिसका नाम a था वो यहां पे कितना फोर्टी न्यूटन का फोर्स लगा रहा है फोर्स बाय ए लिख लेते हैं 40 न्यूटन और बी उसको फिर से रोकने की कोशिश कर रहा है है ना? लेकिन इस बार वो थक गया शायद तो अब न्यूटन की जगह वो सिर्फ कितना लगा पा रहा है ट्वेंटी न्यूटन तो अब देखो इधर से फोर्टी न्यूटन लग रहा है इस तरफ और इधर से सिर्फ ट्वेंटी न्यूटन लग रहा है तो भाई तुम उधर से कोई आ रहे हो तुम्हें कोई रोकने की कोशिश कर करे लेकिन तुम्हें उतना नहीं वो रोक पा रहा क्योंकि तुम्हारा फोर्स इस तरफ ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है तुम इस इस तरफ चले जाओगे तो इधर से ये न्यूटन लगा रहा है देख के पता चल रहा है उधर तो से ट्वेंटी तो ये बॉक्स क्या होगा इस तरफ मूव होने लग जाएगा है ना इसमें देखो तो क्या नेट फोर्स जीरो है टोटल फोर्स निकालें ठीक है तो एफ नेट फिर से कितना होगा आपका एफ ए प्लस एफ बी ठीक है एफ ए को हमने पॉजिटिव लिया था और इसको नेगेटिव लिया था तो इस बार माइनस ट्वेंटी तो कितना हो गया आपका फोर्टी माइनस ट्वेंटी आपका हो जाएगा ट्वेंटी न्यूटन यानी अब नेट फोर्स जीरो नहीं है है ना अब आपका एफ रिजल्टेंट और एफ नेट जो भी बोल लो वो जीरो के इक्वल नहीं है ऐसे केसेस जहां बॉडी पे एक टाइम पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे होते हैं और उसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होता ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम अनबैलेंस फोर्सेस बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं हम अनबैलेंस फोर्सेस बोलते हैं बहुत सिंपल ठीक है अब देखो हमने देखा कि जब अनबैलेंस फोर्स है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है उस डायरेक्शन में बॉडी क्या हो जाती है मूव होने लग गई है ना ये रेस्ट पे थी तो क्या होने लग जाएगी मूव होने लग जाएगी मोशन में आ जाएगी ऐसे ही अगर आप कोई चीज चलती हुई आ रही है और आप अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगा दो तो चीज क्या हो जाएगी रुक जाएगी यानी देखो तो रेस्ट वाली चीज मोशन में आ गई और मोशन वाली चीज रेस्ट पे आ सकती है किसके कारण अनबैलेंस फोर्सेस के कारण और अनबैलेंस फोर्सेस की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है तो नेट फोर्स ज्यादा किस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में तो वही फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी टोटल फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी ठीक है तो अनबैलेंस फोर्सेस की बात करें तो कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना तो क्या हो सकती है डेफिनेशन इफ मोर देन वन फोर्सेस, वो इफ टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग साइमेंटेनसली ऑब्जेक्ट एंड द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू अच्छा हमने बैलेंस फोर्स किया था तो बैलेंस फोर्स के कारण मैंने बताया था कि स्टेट में चेंज नहीं हो सकता बट क्या कुछ किसी और चीज कोई और चेंज हो सकता है हाँ हो सकता है आप करें बैलेंस फोर्सेस के कारण बैलेंस फोर्स बैलेंस फोर्स स्टेट में तो नहीं कर सकता लेकिन शेप कर सकता है आप एक बलून को लीजिए फाइव न्यूटन से इधर से प्रेस कर फाइव न्यूटन इधर से अपोजिट डायरेक्शन है फाइव न्यूटन फाइव न्यूटन नेट फोर्स जीरो बैलेंस है बट बलून का शेप क्या हो जाएगा पिचक जाएगा, जाएगा है ना तो बैलेंस फोर्स आपका एक ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है तो ये हो गया आपका बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में ठीक है अब आगे चलते हैं अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में तो फोर्स को मेनली दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं एक क्या है आपका मिनट एक क्या है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स ठीक है और दूसरा क्या है आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स अब कॉन्टेक्ट के भी तीन टाइप हो गए आपके एक मस्कुलर एक फ्रिक्शनल एक यहाँ पे दो ही है एक और मेंशन कर लेते हैं चलो एक इलास्टिक भी हो सकता है ठीक है एक इलास्टिक भी हो सकता है यहाँ पे नॉन कॉन्टेक्ट कौन सा है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सही नहीं होगा थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नॉन कांटेक्ट का भी कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक मैग्नेटिक और एक ग्रेविटेशन तो आप एक एक करके कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट को हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे आज पहले कॉन्टेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं तो देखो नाम से पता चल रहा है कॉन्टैक्ट तो जिस फोर्स को लगाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़े फिजिकली टच करना पड़े उसके साथ कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करना पड़े इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं सिंपल ठीक है कॉन्टेक्ट नाम से पता समझ आ रहा है भाई जिसमें टच करना पड़े तो कॉन्टैक्ट फोर्स है तो कॉन्टैक्ट फोर्स फर्स्ट क्या है आपका मस्कुलर फोर्स है ना क्या है आपका मस्कुलर फोर्स आगे चलते हैं एक एक करके हम डिस्कस करते हैं देखो जरा तो देखो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है अ कॉन्टेक्ट फोर्स इज अ अंटैक्ट फोर्स इज अ पुश और पुल अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट दैट इज टच दैट इज टचिंग इट बाय टचिंग इट नॉट दैट इज टचिंग इट बाय टचिंग इट सिंपल जिसमें हमें दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़े टच करके फोर्स लगाना पड़े उसको हम क्या बोलेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं कॉन्ट्रेक्ट फोर्सेस के अभी हमने देखे थे तीन तरह के फोर्सेस तो सबसे पहले हम बात करें किसकी मस्कुलर फोर्स की है ना किसकी मस्कुलर फोर्स की तो द फोर्स दैट आर बॉडी एक्सर्ट बाय द स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रेक्टिंग मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स अब सिंपल सी बात है भाई मसल्स हमारे मसल्स हैं हाथों के मसल्स हैं लेग्स के मसल्स हैं पूरी बॉडी में मसल्स हैं हमारे तो जब हम किसी चीज को उठाते हैं पर या खींचते हैं पुश और पुल करते हैं तो हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं आपके क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं ना कि तो, उठाया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया छोड़ दिया रिलैक्स हो गया फिर से तो वही बताया द फोर्स दैट आर बॉडी एक्सर्ट बाय स्ट्रेचिंग कॉन्ट्रैक्टिंग मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स जो फोर्स हमारी बॉडी मसल्स को स्ट्रेच करके उसको कॉन्ट्रैक्ट करके किसी चीज पे लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं मस्कुलर फोर्स जो आप किसी भी चीज को हैवी चीज को उठाते हैं यहाँ पे देखिए किसी को धक्का दे रहे हैं किसी बॉक्स को बाल्टी उठा रहे हो पानी की कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हो जहां पे मसल्स आपके यूज़ हो रहे हैं मस्कुलर फोर्स है आप साइकिल चलाते हैं सब लोग है ना तो आपके पैरों के मसल्स यूज होते हैं पैडल मारने में ठीक है तो वो आपका किसका एग्जाम्पल है आपका मस्कुलर फोर्स का जहां पे भी आप के बॉडी के मसल्स यूज हो रहे हैं वो किसका एग्ज़ाम्पल है आपका मस्कुलर फोर्स का बहुत सिंपल है इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा बहुत मुश्किल चीज़ है जो समझ नहीं आएगी ठीक है आगे चलते हैं ओके तो ये टग ऑफ वॉर का एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है अभी मैंने पहले भी लिया था कि देखो सब एक टीम इधर से खींच रही है एक टीम उधर से खींच रही है सब अपने मसल्स का यूज कर रहे हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है आपका मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है ना आगे चलते हैं अब आता है फ्रिक्शनल फोर्स देखो बहुत इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है आपका अलग से लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा आइडिया ले, ले लेते हैं इस फ्रिक्शन का एक बात मैंने पहले जब फोर्स का किया था तो मैंने एक बात बताई थी कि बिना फोर्स के ना कोई रेस्ट की चीज मोशन में आ सकती है ना कोई मोशन की चीज रेस्ट में आ सकती है है ना सिंपल बिना फोर्स के बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हो सकता तो एक एग्जांपल लेते हैं एक बॉल लिया मैंने और बॉल को मैंने ऐसे ग्राउंड पे फेंका है ना ग्राउंड पे फेंका तो मैंने अपने हाथ के मसल का यूज किया उसको पुश कर दिया चलो मैंने फोर्स लगा के की बॉल को मोशन में ला दिया थोड़ी दूर बॉल जाती है और रुक जाएगी ऐसा तो नहीं होता कि वो इतनी तेज चलती रहे जल्दी अर्थ जल को पार कर जाती है ऐसा तो होता ही नहीं है ठीक है हम सबको बताए थोड़ी देर बॉल जाएगी और रुक जाएगी अब हुआ क्या आपने एक क्या किया बॉल को क्या किया एक एग्जाम्पल लेते हैं हाँ से इसको इरेज करते हैं ये आपका ग्राउंड था और बॉल इस पे जा रही थी यहां से बॉल गई, गई 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 और यहां पे जाके बॉल क्या हो गई रुक गई ठीक है अब बॉल रुक गई तो यहां पे रुकने के लिए इसको बिना फोर्स के तो कोई चीज चलती हुई चीज रुक नहीं सकती तो यहां पे किसने फोर्स लगाया होगा कुछ तो होगा अब यहाँ पे कोई आदमी तो दिख नहीं रहा जिसने फोर्स लगाया ना कोई ऐसा जादू हो सकता है मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा आपको क्या लगता है किसने लगाया है तो अगर ध्यान से देखो तो देखो बिना फोर्स के तो बिना कॉज के तो ये रुक नहीं सकता और वो कॉज क्या है फोर्स अब किसी ना किसी ने तो काम किया है तो क्या काम किसने किया है ये काम किया है आपका इस ग्राउंड ने है ना ग्राउंड पे मूव हुई है ना और ग्राउंड ने क्या किया है ग्राउंड ने बॉल पे कौन सा फोर्स लगाया आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगाया है अब ये होता क्या है तो देखो बॉल जब मूव करी तो ये बॉल का सरफेस है है यह ना यहां से जब बॉल ये लेते हैं बॉल और ये ग्राउंड ले लेते हैं आपका और बॉल किसके वी वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है इस बॉल का जो सरफेस है और ये ग्राउंड का जो सरफेस है आपस में किस में है? टच में है, है ना हमें देख के लगता है कोई भी चीज़ स्मूथ है लेकिन एक्चुअली में आप कितनी भी स्मूथ चीज ध्यान से देखोगे तो स्मूथ नहीं रहती उसके अंदर रफनेस रहता है, है ना ऐसा कुछ अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से रखोगे तो रफनेस रहता है तो एक सरफेस जब दूसरे सरफेस पे मूव करता है बॉल का अपना सरफेस है और ये ग्राउंड है तो दूसरा सरफेस चाहता है ये मेरे पे मूव ना करे तो क्या करेगा वो इस ये आगे की तरफ जा रही है तो इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि दूसरा सरफेस उसको बोलते हैं है, है ना तो बॉल जब आगे की तरफ मूव करी तो ग्राउंड को लगा कि भाई ये तो मेरे सरफ मेरे ऊपर मूव करने वाली है तो उसने इसको क्या किया इसको अपोज करना शुरू किया तो वो क्या करेगा अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देगा ठीक है जो इस बॉल को आगे अब कोई आगे भागता जा रहा है और मैं उसको धीरे धीरे दे पीछे पकड़ के खींचते चले जाऊं एक टाइम आएगा जब वो बंदा रुक जाएगा सेम वही हुआ भाई जैसे ही आगे मूव होना शुरू हुआ स्टार्टिंग में तो इसकी स्पीड तेज थी धीरे धीरे स्लो होते गई होते गई होते गई और फिर रुक जाएगी क्यों क्योंकि ग्राउंड ने एक फोर्स लगाना शुरू किया अपोजिट डायरेक्शन में जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट और इट अपोज सिंपल ये बोल सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज दि फ्रिक्शन विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू है, है ना एक सरफेस ग्राउंड का और एक बॉल uh, का सरफेस दोनों सर्फेस के बीच में क्या हो रहा है मोशन हो रहा है ना तो एक को अगर लग रहा है फ्रिक्शन ये जरूरी है कि ग्राउंड ही बॉल पर लगाएगी बॉल भी ग्राउंड पे लगाती है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे आप इतना समझिए जब एक सरफेस दूसरे सरफेस में मूव करता है तो दोनों सरफेस को लग, लगता है कि भाई ये मेरे पे मूव करने वाला है इसको लगेगा कि ये पीछे छूट रहा है ऐसा लगेगा ना ठीक है तो जब भी दो किसी भी सर्फेस को लगता है कि दूसरा सर्फेस उस पर मूव कर रहा है या मूव करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करता है उस मोशन का अपोज करता है ना तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है आपका अपोज इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस ठीक है तो ये क्या है आपका फ्रिक्शनल फोर्स है ठीक है तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स है इसमें भी बिना कॉन्टेक्ट के बाद नहीं बन रही नेक्स्ट चलते हैं हम जो हमने किया था इलास्टिक फोर्स है ना इलास्टिक फोर्स अब जो समझो आप किसी रबड़ को लो ऐसे खींचो और छोड़ दो, दोबारा से अपने पुराने वाली पोजीशन पे आ जाएगी है ना ऐसा कर सकते हैं ना ऐसी जो भी चीजें हैं रबड़ हो गया और भी चीजें हैं ऐसे खींचा आपने स्प्रिंग में भी ऐसा होता है हम एक रबड़ की बात करते हैं कि आपने बस ऐसे खींचा और बस छोड़ दो तो आप देखोगे कि वो दोबारा से अपनी पुराने वाली पोजीशन में आ गई तो कैसे आ गई आपने तो खींचा यहां तक था जैसे ही आपने छोड़ा वो पुराने वाली पोजीशन पे आ गई तो हुआ क्या कोई ना कोई फोर्स उसको दोबारा से अपने पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा होगा अपने पुराने वाली पोजिशन में तभी तो जा पाई बिना फोर्स के तो कोई ये हो ही नहीं सकता है ना हमने पढ़ा हुआ है तो वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप दोबारा से अपनी पुराने वाली पोजीशन पे ले आता है उस फोर्स को क्या कहते हैं हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं है ना रबर में आपने देखा होगा प्लास्टिक में जैसे आप इसको ऐसे खींचते हैं जैसे छोड़ेंगे आप वो क्या करेगा दोबारा से पुराने वाली पोजीशन में लेके आ जाएगा आयरन स्केल हम सब बच्चे खेलते रहते हैं क्लास में ना ऐसे किया जैसे छोड़ा ऐसे होता है ना दोबारा से अपनी पुरानी वाली पोजिशन में आ जाएगा तो कौन सा फोर्स है है इसको हमने स्ट्रेच 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 तो कर दिया करने है। करने इलास्टिक नहीं के बाद जो जितनी जल्दी अपने पुरानी पोजीशन पे आ जाता है वो उतना ही कितना होता है आपका वो उतना ही इलास्टिक होता है और उस फोर्स को क्या बोलते हैं इलास्टिक फोर्स बोलते हैं मतलब जो जितनी जल्दी अपनी पुरानी पोजीशन को क्या कर देता है रीगेन कर लेता है अब यहां से एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि रबड़ और एक आयरन स्केल ले लो या स्टील का स्केल ले लो है ना हम क्या कर रहे हैं इलास्टिक फोर्स और एक रबड़ ले, ले लेते हैं और एक स्टील वाला स्केल जो आता है ना वो ले लो इनमें जो इनमें कौन ज्यादा इलास्टिक है तो सोच के लगता है रबड़ ज्यादा इलास्टिक है क्योंकि खींचो और वो वापिस यही तो होता है इलास्टिसिटी लेकिन जो सही आंसर है वो स्टील ज्यादा इलास्टिक है मैंने बोला जो जितनी जल्दी अपनी पोजिशन को रिगेन करता है खींचने के बाद हम छोड़ते हैं वो उतना ज्यादा इलास्टिक होता है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सर्टेन स्टेंथ तक रबड़ और स्केल को खींचा जाए और जब आप छोड़ेंगे तो स्टील का जो स्केल है वो जित उतनी ही जल्दी अपनी पुरानी पोजीशन को क्या करेगा रिगेन करेगा तो स्टील जो है आपका ज़्यादा इलास्टिक है नेचर में समझ गए इलास्टिक फोर्स क्या होता है अब बिना कांटेक्ट के ये भी फोर्स नहीं लगता तो ये भी किसका एग्जांपल है आपका कांटेक्ट फोर्सेस का तो आज हमने बैलेंस फोर्सेज के बारे में पढ़ा अनबैलेंस फोर्सेज के बारे में पढ़ा कॉन्टेक्ट फोर्सेज के बारे पढ़ा, में पढ़ा उसमें हमने मस्कुलर फोर्स पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा और इलास्टिक फोर्स पढ़ा ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस और उसके अलावा फिर हम देखेंगे प्रेशर और चीज़ों के बारे में ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में